वो लोग जिन्होंने बिना कुछ किए 2023 में फेम हासिल किया सोशल मीडिया के जरिए से। नाजरीन, पहले नंबर पर आते हैं अख्तर लावा साहब। अख्तर लावा साहब के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। अख्तर लावा साहब की वीडियो वैसे तो 2022 के दिसंबर में वायरल हुई थी, लेकिन 2023 की शुरुआत में भी अख्तर लावा साहब सोशल मीडिया पर वायरल थे। नाजरीन, अख्तर लावा साहब लाहौर के रिहायशी हैं और उनका ये डायलॉग लाहौर दा पावा अख्तर लावा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद इन्हें सोशल मीडिया पर बहुत फेम मिला। उसके बाद आते हैं शाहिद जट। नाज़रीन, शाहिद जट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। शाहिद जट पंजाब पुलिस के कांस्टेबल हैं। नाज़रीन, शाहिद जट को एक मीडिया वाले ने रोका और उनसे कुछ सवालात किए, जिसके बाद शाहिद जट गुस्सा हो गए और उसके बाद शाहिद जट ने जो लफ्ज अदा किए वो तो आप सबने सोशल मीडिया पर देखे ही होंगे। उसके बाद शाहिद जट का इलाज चलता रहा और अब शाहिद जट बिल्कुल ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। नाज़रीन, फिर आते हैं शेर अफजल खान मरवत साहब। शेर अफजल खान मरवत साहब का डायलॉग प्रोग्राम तो बढ़ गया, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और इस डायलॉग की वजह से सोशल मीडिया पर शेर अफजल खान मरवत साहब को बहुत फेम मिला। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि शेर अफजल खान मरवत साहब पहले से ही पीटीआई के सीनियर लॉयर थे और बहुत से लोग इनके बारे में जानते थे। लेकिन नाजरीन, सोशल मीडिया पर शेर अफजल मरवत साहब को तब ही फेम मिला जब उनका यह डायलॉग वायरल हो गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस प्रोग्राम तो बढ़ गया की शुरुआत ऐसे हुई, एक लाइव टीवी शो पर बैठे थे और उनकी एक नून लीग के बंदे के साथ लड़ाई हो गई। शो खत्म हो गया। शो के अगले दिन उनसे पूछा गया कि जब आपकी नून लीग के बंदे के साथ लड़ाई हो गई थी तो प्रोग्राम चलता रहा था या प्रोग्राम रुक गया था? तो इन्होंने जवाब दिया था कि नहीं जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये अल्फाज वायरल हो गए और शेर अफजल खान मरवत साहब को सोशल मीडिया पर इस डायलॉग की वजह से बहुत फेम मिला। पहले भी आप लोगों को बताया कि शेर अफजल खान मरवत साहब के पास पहले भी फेम था, लेकिन ज्यादा फेम सोशल मीडिया पर उन्हें इस डायलॉग के बाद मिला। नाज़रीन, उसके बाद आते हैं जस्ट लुकिंग लाइक का वाओ। जस्ट लुकिंग लाइक का वाओ के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये एक इंडियन डिजाइनर है जो काफी अरसे से सोशल मीडिया पर कपड़े बेच रही है। नाज़रीन, इसने एक नया डायलॉग अपनाया और अपने कपड़े ये कहकर बेचना शुरू कर दिए कि आई हैव पर्पल कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, इट्स सो वंडरफुल। अपने कपड़ों की तारीफ करना शुरू कर दी जो ये बेचती थी ऑनलाइन। इसका ये डायलॉग वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, और इस औरत को फेम मिल गया। नाज़रीन, मैंने आप लोगों को चार लोगों के बारे में बताया है जिन लोगों को 2023 में सोशल मीडिया पर बिना कुछ किए फेम मिला। एक हैं शेर अफजल खान मरवत साहब, दूसरे नंबर पर हैं अख्तर लावा साहब, तीसरे नंबर पर हैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, और चौथे नंबर पर हैं शाहिद जट साहब। खैर, जो मोए मोए है और जिले जिले है, ये एक ट्रेंड है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि जिले जिले या मोए मोए की वजह से किसी इंसान को शोहरत हासिल हुई। जिस तरीके से पिछले साल 2022 में पार्टी गर्ल दना नीर को शोहरत हासिल हुई थी और वो डांस गर्ल जो एक शादी पर डांस कर रही थी, उसका नाम ईमान था शायद, उसको शोहरत हासिल हुई थी, इस तरह इस साल इन चार बंदों को शोहरत हासिल हुई है। आप लोगों का इन चार में से कौन पसंदीदा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर मुझसे कोई मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।